प्रदेश के 22 मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को वोट नहीं दिला पाए, जबकि 5 महीने पहले ये खुद 10,000 से लेकर 45,000 वोटों से जीते थे। आधा दर्जन से अधिक मंत्री तो ऐसे भी हैं जिनके क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी 50,000 से लेकर 84,000 वोटों से पीछे रहे। 5 माह पहले कांग्रेस 230 में से 111 सीटों पर जीत दर्ज कर 15 साल बाद सत्ता में काबिज हुई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में सारे समीकरण बिगड़ गए। कांग्रेस की 93 विधानसभा सीटों सहित 2009 पर भाजपा ने बढ़त हासिल की। मोदी लहर में प्रदेश में कांग्रेस को 2014 से भी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। पार्टी 2 सीटों से घटकर 1 पर आ गई। किसान कर्ज माफी और रोजगार के वादे के साथ सत्ता में आई कांग्रेस के लिए 5 महीनों के भीतर ही लोकसभा चुनाव का ये इम्तिहान भारी पड़ा है। उसके प्रत्याशियों को महज 21 सीटों पर ही बढ़त मिल पाई। 2009 सीटों पर भाजपा ने एक तरफा लीड ली। मुख्यमंत्री पर 5 महीने बाद ही लोकसभा चुनाव के टेस्ट में फेल रहे मंत्रियों के भविष्य पर निर्णय को लेकर सभी की नजर मुख्यमंत्री कमलनाथ पर है। मुख्यमंत्री ने चुनाव से पहले ही सभी मंत्रियों को हिदायत दी थी कि अपने विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में बम्पर मतदान कराएंगे और लोकसभा में जीत दिलाएंगे। कमलनाथ ने यह भी कहा था कि उनका परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत से तय होगा, लेकिन 22 मंत्री अपना इलाका नहीं बचा पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, IC24 न्यूज।